दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सीएसके वर्सेस आरसीबी 22 मार्च 2024 को शुरुआती मैच में चेन्नई सुपर किंग एसआरके और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के साथ सामना हुआ। इस सामना में सीएसके ने 6 विकेट से फैबुलस जीत अचीव की। सीएसके को जीतने के लिए 174 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 8 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर किया। टाटा आईपीएल 2024 के शुरुआती मैच में आरसीबी के खिलाफ 4 विकेट लेने के लिए सीएसके के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को प्लेयर ऑफ द मैच की घोषणा की। बल्लेबाजी के बाद सीएसके के लिए रचिन रविंद्र ने सबसे ज़्यादा 37 रन किए। रविंद्र ने 15 गेंदों में पारी में 3 चौके वही इंपैक्ट प्लेयर शिवम दुबे ने 34 रनों की पारी की बारी खेली, 34 रन बनाए और नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा ने 25 रन बनाए और नाबाद रहे। इसी के साथ ही अजिंक्य रहाणे ने 27 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी का स्कोर कार्ड 176/4 है। दोस्तों चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया सामना आरसीबी के कैप्टन फाफडू प्लेसिस ने टॉस जीता और शुरुआत में बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। आरसीबी की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त रही और कैप्टन डुप्लेसिस ने विराट कोहली एक साथ मिलकर 41 रन बनाए। डुप्लेसिस ने बहुत जबरदस्त बैटिंग के साथ 35 रन बनाए और 8 चौके भी लगाए। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने एक ही ओवर में डुप्लेसिस और रजत पाटीदार को, उसके बाद दीपक चाहर ने ग्लेन मैक्सवेल को पेविलियन को खाता भी नहीं खोला, 0 पर आउट किया।